केरल के क्राइम ब्रांच ने पुतिंगल मंदिर में आतिशबाजी के दौरान हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मंदिर समिति के सदस्य और आतिशबाजी का ठेका हासिल करने वाले ठेकेदार समेत 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इन पर हत्या की कोशिश समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आतिशबाजी कंपनी के 5 लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। विस्फोटकों की जांच करने वाले केंद्रीय अधिकारियों ने मंदिर परिसर से अहम सबूत जमा किए। That they have not taken any license for display of the fireworks, which is mandatory under the explosive rules 2008. They have flouted other rules also, like firing the fireworks in the night. As per the Honorable Supreme Court's guidelines, one cannot ignite the fireworks after 10 p.m. आतिशबाजी कार्यक्रम के लिए मंदिर प्रशासन को अनुमति नहीं मिली थी। इसके बावजूद कार्यक्रम होने से पुलिस और दूसरे अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। क्राइम ब्रांच ने कहा है कि सबूत और दस्तावेजों की छानबीन के बाद और लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा। CPM महासचिव सीताराम येचुरी ने सोमवार को अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। उन्होंने मौजूदा जज से इस मामले की जांच कराने की मांग की। The state government will have to pull up its socks. The guilty should be punished and a proper inquiry with a sitting judge would be better. And in the meanwhile, immediately offer employment to all those who have been who unfortunately lost their lives. केरल के कोल्लम जिले के पुतिंगल मंदिर में रविवार तड़के भीषण आग लग गई थी। आतिशबाजी के दौरान ये आग लगी और देखते ही देखते 100 से ज्यादा जिंदगियां खत्म हो गईं।